हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर तो आप कोई क्रिएटर हो या कोई यूट्यूबर हो या फिर आप कोई शौक रखते हो वीडियोस बनाने का या फिर कोई पॉडकास्ट वगैरह बनाने का जिसमें आपको साउंड की ज़रूरत पड़ती है, तो हाँ, अगर आप इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप कोई महंगे वाला माइक्रोफोन खरीदें, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सस्ता माइक्रोफोन जो कि आपको एक बेस्ट क्वालिटी देगा, जिसका नाम है बोया बाय M1। और आज हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और देखेंगे इसके बॉक्स कंटेंट्स क्या है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेक अपडेट्स लेकर आता रहूँगा। अब यहाँ पर जो ये माइक्रोफोन है, ये छोटे से डब्बे में आता है। तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे, जस्ट ओपन दिस वन, जैसे इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमको ये छोटा सा प्यारा सा बैग मिलेगा जिसके ऊपर बोया की ब्रांडिंग का टैग लगा हुआ। जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो इसके अंदर क्या है, ये एक एयर फिल्टर दिया हुआ है और ये कनेक्टर है जो कैमरे के साथ कनेक्ट होगा। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम देखेंगे तो ये 6 मीटर लंबी तार है। ये काफ़ी लंबी तार होती है एक्चुअली ये माइक की। यहाँ पर है इसका लेपल माइक्रोफोन, जो कि अगर आप चाहो फ़ोन के साथ कनेक्ट भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो कैमरे के साथ भी कर सकते हो इसको कनेक्ट करके। यहाँ पर हम इसको यूज़ कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो हमको ये एक सेल चाहिए जो कि इसके अंदर गिवन होगा। तो जैसे ही हम इस पैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पर हमको मिलेगा एक छोटा सा जो घड़ी वाला सेल होता है, वही वाला सेल, ये बटन सेल कहते हैं इसको। और ये जो बटन सेल है तो इस ये जो स्लॉट है इसको खोलकर इसके अंदर जाएगा ऐसे। जैसे ही आप इसको डालोगे तो ऊपर से ये वाला कवर बंद हो जाएगा। और ये जो हुक है इसको अपनी बेल्ट के साथ लगा सकते हो काफ़ी इजीली, ताकि आपको सपोर्ट रहे। दूसरी बात, ये जो बटन है इस पर दो ऑप्शंस गिवन है आपको, एक तो है ऊपर कैमरे वाली और नीचे है ऑफ या फिर स्मार्टफोन। अगर तो आप अपने इस माइक्रोफोन को कैमरे के साथ कनेक्ट करोगे तो इसको ऊपर की तरफ मूव कर देना है, अगर स्मार्टफोन के साथ या फिर ऑफ करना चाहोगे तो इसको बटन को नीचे कर देना है। दैट्स इट, ईजी थिंग है। तो इसके साथ अगर तो आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो ये सिंपली 3.5 mm का जैक है, उसके अंदर लग जाएगा। अगर आपका आईफोन है तो उसके लिए ये कनेक्टर आपको चाहिए होगा, जिसके साथ ये इसके अंदर लग जाएगा सीधे डायरेक्ट, और ये पॉइंट सीधा आईफोन से कनेक्ट हो जाएगा। बस दैट्स इट, इसको आईफोन से कनेक्ट कीजिए और यहाँ से बोलिए, दैट्स इट। और कुछ है नहीं, सिंपल सा है। और अगर तो आप सराउंडिंग में, जैसे बाहर जाकर कहीं पर कोई विंडी प्लेस है वहाँ पर आप जाकर शूट करेंगे, तो उसके लिए इन्होंने ये दिया हुआ विंड प्रोटेक्टर, जिसको हम यहाँ पर लगाएंगे इजीली। ये देखिए, तो ऐसे लग जाएगा ये वाला, तो ये इजीली है, मतलब यहाँ पर लग के ये जो क्लिप है ये आपके साथ यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। इसको कनेक्ट करके इसको अपनी शर्ट के साथ लगा सकते हैं। ये जो माइक्रोफोन है, ये वैसे भी अगर आप ज़्यादा पैसे नहीं खर्च सकते, वैसे तो रोड वगैरह के आते हैं काफ़ी, तो अगर आप रोड वगैरह का ले सकते हैं, बजट है आपके पास, वो काफ़ी महंगा आएगा, ऐसे 2000-3000 के आसपास आएंगे। बट अगर आप नए नए क्रिएटर हो या फिर आप कोई भी शौक रखते हो बट आपके पास अफोर्डेबल माइक्रोफोन लेने के ही पैसे हैं, तो मतलब 1000 के आसपास या 2000 के आसपास, तो ये जो है बोया का, ये वन ऑफ द बेस्ट साउंड क्वालिटी आपको मिलेगी इसके साथ। और ये है भी वैसे भी लॉन्ग लास्टिंग। इसके बटन का जो सेल है, बटन सेल, वो दिखता छोटा सा है बट है इतना पावरफुल कि कम से कम ये आपका 1 साल निकल जाएगा। बट डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ का माइक्रोफोन। एक बार फिर से आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि मतलब ये जो क्लिप है ये आपकी शर्ट के साथ लगेगा, और दूसरी तरफ से ये जो कनेक्टर है, अगर आप आईफोन यूज़ करते हो, ये लाइटनिंग कनेक्टर आपके आईफोन में लगेगा। अगर आपको कैमरा यूज़ करना है तो
ये वाला कनेक्टर आपको इसके साथ यूज़ करना पड़ेगा, तो जो कि सीधा आपके कैमरा के साथ कनेक्ट हो जाएगा। बट अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो 3.5 mm का जैक आपके पास है ही, और ये सीधा आपके उसमें कनेक्ट हो जाएगा। That's it. तो ये थी अनबॉक्सिंग बोया के माइक्रोफोन की, जिसका नाम है बोया बाय M1। और आजकल वैसे भी ये वाला माइक्रोफोन सेल पर चल रहा है, क्योंकि वैसे नॉर्मल प्राइस का 1800 के आसपास आपको मिलेगा अमेजोन पर सेल की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये का मिलेगा। तो हाँ जी, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ वाला बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही फर्दर टेक न्यूज़ लेकर आता रहूँगा और टेक वीडियोज़ आपके लिए नई नई बनाता रहूँगा। और हाँ, मेलबर्न का वीलॉग्स तो वैसे भी आ रहा है, आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। तो तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस।